नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट गिवन बाय और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं अगेन फिर बहुत आसान सवाल है uh, सवाल कुछ सनैरियो uh, कुछ इस प्रकार है कि यह आपका इलेक्ट्रॉन है और नीचे उसका एम जी फोर्स लग रहा है और ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे उसका फोर्स ई e -E लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन नीचे होएगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट फोर्स होएगा और ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू एम जी और हमें यहाँ बताना है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी विच एम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई ई सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर एक और तरीका है यहाँ पे इसको सवाल को करने का अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सही है पर हम चाहते थे इसको प्रॉपर हमें करना भी आता हो रही सो बी वुड बी द राइट आंसर